पीछे एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुर्ग से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है देवेंद्र यादव की। 8 घंटे के बाद पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई। विधायक के समर्थक गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बता दी कि सुबह 10 बजे विधायक के आवास पर पहुंची थी पुलिस, लेकिन 8 घंटे के बाद गिरफ्तारी हुई है विधायक देवेंद्र यादव की। इससे पहले पूछताछ के लिए जब बुलाया गया था वो नहीं पहुंचे थे, नोटिस दिया गया था, लेकिन अब पुलिस पहुंची उन्हें गिरफ्तार करने। सुबह 10 बजे पहुंची हुई थी, माना जा रहा है कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी की खबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता चली, देवेंद्र यादव के समर्थकों को पता चली, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज यहां पर पहुंचे, उनके आवास पर पहुंचे और तमाम समर्थक पहुंच गए, हंगामा करने लगे, आवास के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इसी के साथ 8 घंटे के बाद अब पुलिस गिरफ्तार कर पाई है देवेंद्र यादव को। लेकिन जब गिरफ्तार करके बाहर लेकर आ रही थी पुलिस, तो इस दौरान भारी बवाल हुआ, भारी हंगामा हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा रास्ता रोकने की कोशिश हुई और इस बीच झड़प की खबर भी सामने आ रही है। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने पुलिस का रास्ता रोका, तो पुलिस और देवेंद्र यादव के समर्थकों में झड़प भी हो गई। बता दें कि विधायक के समर्थक गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। स्थिति तनावपूर्ण ना हो, अप्रिय स्थिति घटित ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। और अब ऐसे में विधायक देवेंद्र यादव को लेकर थाने पहुंचेगी पुलिस। हालांकि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद हंगामा जरूर देखने को मिल रहा है समर्थकों का। बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये आरोप लग रहे हैं कि कुछ नेताओं ने जनता को भड़काया, बरगलाया, जिसके बाद वो प्रदर्शन उग्र हो गया था, जिसमें एसपी ऑफिस में आग लगा दी गई थी, कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई थी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। और अब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनेंद्र, तकरीबन 8 घंटे के बाद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरह से 8 घंटे से इंतजार था कि विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने जो बलौदाबाजार पुलिस पहुंची है वो कब निकलेगी वहां से बाहर, बलौदाबाजार पुलिस लगभग 2-3 घंटे से अंदर बैठी हुई बाद बाहर निकली है। जो दीपक बैज है, पूर्व सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुंचे थे उनसे चर्चा करने के लिए। तमाम चर्चाएं हुई, तमाम लंबी चर्चाओं के बाद अब देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके ले जाया जा चुका है। पुलिस टीम यहां से रवाना हो चुकी है, बलौदाबाजार की टीम, और उनके घर के सामने हम खड़े हैं। जिस तरह से जो समर्थक है अब भी उनके परिवार जनों को ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहा है, जिस तरह से परिवार में एक जो गम का माहौल है, दुख का माहौल है कि इस तरह से बेटे को ले जाया जाना, उसकी माँ सामने बैठी हुई है और अन्य जो उनके परिजन है वो भी सामने मौजूद है। मनेंद्र, जब आप इससे पहले बात कर रहे थे उस वक्त भी विरोध किया जा रहा था, और जब गिरफ्तारी की जा रही थी उस वक्त भी भारी विरोध हो रहा था, ऐसी खबरें सामने आई थी। कुछ समर्थक अभी भी मौजूद हैं, उन समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश करिए, उनका रिएक्शन क्या है इस गिरफ्तारी के बाद? अब जिस तरह से समर्थक यहाँ पर मौजूद थे, बहुत समर्थक मौजूद थे और कुछ समर्थक बलौदाबाजार तक भी जाएंगे, इस तरह से पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है। अन्य समर्थक हमारे पास, हम बात करते हैं विरोध की, हुआ आप लोग उसका विरोध किया, उसका 5 बजे के बाद गिरफ्तारी दी गई, किस तरह से देखते हैं इसके पुलिस का जो रवैया था इसी दिन तक इसको टालमटोल करने का, दीपक बैज भी आया उसे समझाने की, बाकी चीजें देख रही लगातार जब से छत्तीसगढ़ भाजपा की सरकार बनी, तो केंद्र में भाजपा की सरकार, तब से माननीय देवेंद्र यादव जी एक प्रमुख चेहरा रहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एवं समाज के लोगों का आवाज उठाने वाले लोग रहे। इसी क्रम में भाजपा जो अपने विरोधियों को दबाने का काम करी, आपको ज्ञात होगा बलौदाबाजार पुलिस जब एक बार समन लेके आए कि माननीय विधायक के स्वयं से जाके बलौदाबाजार थाने में अपना स्टेटमेंट, जब मीडिया से बात करने के लिए दिया कि उनको गाड़ी के चढ़ के उतर के अपना संविधान दिखा दिया, यही तानाशाही की शुरुआत है और उन्होंने संविधान को दिखा दिया, प्रदर्शित किया
ये हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इनसे नहीं डरते। और यह तानाशाही की शुरुआत है कि जिस प्रकार अगर जब उन्होंने बयान दर्ज करवा दिया उसके बाद एक जनप्रतिनिधि का इतना बार बार डिस्टर्ब करना, उनकी कार्यशैली को बाधा करना, साफ साफ समझ आ रहा है कि वो उनकी छवि को दूषित करना चाह रही है, उनको परेशान करना चाह रही है, और इस प्रकार वो उन्हें डरा धमका चाह रही है। पर हम देवेंद्र जी के लोग हैं, आक्रोश काफी दिखा कार्यकर्ताओं में जी, बहुत ज्यादा अभी पूरी प्रदेश में इस बात का आक्रोश दिखेगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, पूरे प्रदेश में दिखेगा अगर भाजपा की सरकार अपनी रवैया नहीं सुधारेगी। और यह पुलिस भी, पुलिस महकमा जो अपनी भाजपा सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं, ये अगर नहीं सुधरेगा तो फिर हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। और हम देख लेते हैं इनमें कितना दम है और फिर हम भी समझ लेंगे। तो ये आंदोलन की बात सामने आ रही है और साथ साथ जो आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, जो समर्थकों में, दो बार के विधायक है, दूसरी बार चुनाव जीत के आए हैं, कांग्रेस के जो युवा चेहरे उनका बड़ा चेहरा है, और जो बड़े चेहरे के रूप में सामने आए थे वो, और ये जो परिजन यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे, लेकिन जान एक गहरा जो उनके ऊपर लगा है ये बड़े बात है। और विधायक देवेंद्र यादव यहाँ से जा चुके हैं, अब देखना होगा पुलिस इस तरह से कार्रवाई करती है। और दुर्ग पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद रही और उस मौजूदगी के बाद अब गिरफ्तारी आखिरकार हो चुकी है। देवेंद्र यादव ने अपने समर्थकों का आभार भी जताया है जो लगभग 9 घंटे से यहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने अपने समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि संविधान की जीत होगी। और मनेंद्र आप मुझे सुन पा रहे हैं? उनके साथ हमेशा हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं मनेंद्र? जी 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 मनेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा दो तीन चीजें। 8 घंटे तक क्या बातचीत चलती रही? दीपक बैज भी पहुंच गए थे, कांग्रेस के अन्य नेता भी पहुंच गए थे, पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। क्या बातचीत हो रही थी जो इतना वक्त लगा? क्या गिरफ्तारी शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी हो पाई है? क्या देवेंद्र यादव ने अपनी गिरफ्तारी दी है या जबरन उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया? देखिए तमाम जो चीजें हैं वो शुरुआत सुबह 9 बजे से हो गई थी। पुलिस जब यहाँ पहुंची तभी से माहौल बनना शुरू हो गया, तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हो चुके थे। पूरे दुर्ग भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव की जिस तरह से युवा समर्थक है वो किसी से छिपा नहीं है। मनेंद्र, वो तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद। माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। लक्ष्मी जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। लक्ष्मी जी, गिरफ्तारी हो गई है देवेंद्र यादव की, क्या कानून अपनी तरह से सही काम कर रहा है? 8 घंटे के बाद गिरफ्तारी हुई है, क्या लग रहा है, क्या कहेंगी आप? देखिए देखिए, पुलिस जो है अपना काम कर रही है। जिस प्रकार से बलौदा बाजार में आगजनी की घटना घटी और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने राजनीति किया, और जो बहुत सारे हमारे फुटेज को इकट्ठा किया गया है, बहुत सारे सबूतों के आधार पे कार्यवाही की जा रही है। और देवेंद्र यादव जी खुद विधायक है और उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना था। पुलिस के लगातार नोटिस जारी करने के बाद भी वो बयान देने से मना किए, और उन्होंने उनका खुद का बयान था कि पुलिस को अगर मेरा बयान लेना है तो घर आके मुझसे ले। तो इससे पुलिस पहुंची, और चूंकि वही एक संवेदनशील मामला है और वो जनप्रतिनिधि है, तो कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार तो है नहीं है। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस के नेता और एक विधायक रहते हुए वो कानून के लाइन ऑर्डर को बिगाड़ ठीक है। लक्ष्मी जी आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ नेता लोधी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नेता जी बहुत स्वागत है आपका। ये बताएं कि घटना के बाद निरंतर आप बताएं देवेंद्र यादव विधायक जी का कहीं भी उन्होंने ना वो ना मंच में चढ़े थे, ना कहीं भाषण दिए थे, ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट था। जबरदस्ती इनके नाम को फसाया जा रहा है। आप ये बताएं भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि मंच में जितने लोग थे उनमें कितने लोगों से पूछताछ की गई, कितने लोगों को गिरफ्तारी की गई? जो लोग शरण जागरे जो अध्यक्ष है वहाँ के, उन्होंने भाषण में दिया कि सीट बजा दूंगा, उनसे क्या पूछताछ के लिए भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार ने बुलाया, पुलिस प्रशासन ने बुलाया? केवल पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, काम कर रही है। और नेता जी देखिए, लक्ष्मी जी का कहना है कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। नेता जी हम कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग सत्य अहिंसा के मार्ग में चलने वाले लोग, गांधीवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। आप बताइए, एक बात बताइए, कानून अपना काम कर रहा है? जब इससे पहले कई नोटिस दिए गए थे पूछताछ के लिए, जब बुलाया गया था, तो देवेंद्र यादव क्यों नहीं पहुंचे थे? कानून का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे? थाने नहीं, बिल्कुल पहुंच आज आज अगर पुलिस आई थी तो विवेचना कर लेती, बैठ के चर्चा कर लेती, बता देती, पूछ लेती, उनका बयान उन्होंने बिल्कुल बयान दर्ज करवा लेता, उनसे करवा लेना चाहिए था पुलिस प्रशासन को। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को बिल्कुल नहीं किया, कांग्रेस को टारगेट बना के किया गया। और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो गई, ये लोग घबराते हैं।
अब आगे क्या करने वाली है कांग्रेस? हम लोग यहीं पे देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे पुलिस प्रशासन उनको ले तो गई है, पर देखिए सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक भी अगर पुलिस न्याय करती है भाई साहब, तो देखिए किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी करार देना सबसे बड़ा पाप होता है। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम सतनाम से चलने वाले लोग हैं। सतनाम गुरु घासीदास बाबा के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा। और जिस प्रकार आज इनका ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम हुआ, कड़ी निंदा करती है कांग्रेस पार्टी, कड़ी निंदा करती है। और आज आप देखेंगे हम लोग भिलाई के निवासी है, यहाँ से लेके वहाँ तक लाखों लोग समर्थक इकट्ठा रहे हैं। उस दिन बलौदा बाजार में थे और अरे लक्ष्मी बहन, आपका प्रशासन क्या कर रहा था आप ये बताएं? आपका प्रशासन क्या कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? लक्ष्मी दीदी, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको टारगेट करके किया। भारतीय जनता पार्टी केवल इशारे पे काम करने वाली पार्टी है और हमेशा अपने अनुसांगिक संस्थाओं को प्रयोग करती है, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सीबीआई, सबका दुरुपयोग करती है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे भोले भाले छत्तीसगढ़ वासियों को ठगने का काम कर रही है। नेता जी, आपने कहा कि सत्य की जीत होगी। सत्य की जीत तब होती है जब आप सत्य का साथ दें। देवेंद्र यादव जी ने अभी तक पुलिस को कोई सपोर्ट नहीं किया। जब पुलिस पहुंचती है तो अपने आवास से गायब मिलते हैं, उनके कर्मचारी मिलते हैं और अन्य सदस्य मिलते हैं, लेकिन देवेंद्र यादव पता नहीं कहां चले जाते हैं। आज 8 घंटे तक बातचीत चलती रही, क्या बातचीत हो रही थी? इतने दिन पहले से उन्होंने टिकट कटा करके रखी थी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो परिवार के साथ बाहर थे, उन्होंने थाने में जानकारी देके गए थे। नेता जी, देवेंद्र यादव जी ने तो कोर्ट का भी रुख कर लिया था। मैंने पहले से टिकट कटवा रखी थी, उसके कारण कैसे आप हमारे यहाँ विशाल कांवड़ यात्रा निकलती है, शिवनाथ नदी से जल लेके देवलोदा में चढ़ाते। आप देखेंगे 12 तारीख को कांवड़ यात्रा थी और लाखों लोग उस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। भाई वो एक जनप्रतिनिधि है, उनके और भी कर्तव्य और भी काम है। और सम्मानित विधायक है, 3-3 बार उन्होंने चुनाव जीता है, महापौर रह चुके हैं भिलाई के, 2-2 बार विधायक रहे। तो भाई आपको पूछना था, जानकारी ले तो सम्मानजनक तरीके से आके बात किया जा सकता था। यहाँ तो आम जनता, एक सामान्य नागरिक विधायक हमारे विधायक से मुलाकात कर लेता है। लक्ष्मी जी, अब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद अब अगला नंबर किसका है? देखिए, कोई नंबर किसी का लगा है ऐसा नहीं है। जो दोषी है और जिनके खिलाफ सबूत इकट्ठा की जो मिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और चूंकि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी उनके घर में जाके करनी पड़ी, उनको लगातार नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, तो इससे उनका बयान उन्होंने लिखित में दिया है। उन्होंने जो कहना था वो लिखित में देख के बता के कहते हैं विधानसभा सत्र चालू होगा तो मैं आ जाऊंगा, और कानून को अपने हाथ में लेने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। बहन जी, देखिए ना, पुलिस प्रशासन और भी कह रही है कि बेवजह कानून का दुरुपयोग कर रही है, बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है लक्ष्मी जी। आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही ठीक से। अभी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, जी, अब मैं सुन रही हूं। लक्ष्मी जी, नीता जी कह रहे हैं कि आप कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, मनमाने तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जब वहां पर वो मौजूद नहीं थे तो आखिर किस वजह उन्हें गिरफ्तार किया गया? भारतीय जनता पार्टी कानून को का बेवजह उपयोग नहीं करती। ये कांग्रेस के शासन काल में होता आया है और कांग्रेस जो है हमेशा 60 साल रहे सेंटर की बात करें। इतनी लक्ष्मी बहन जी, लक्ष्मी बहन जी, अमर गुफा में अगर एक कांग्रेस की नियुक्ति कर दी जाए, एक कांग्रेस की नियुक्ति कर दी जाए तो अभी तक अमर गुफा में भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन को वहाँ भेज देती है तो छत्तीसगढ़ के शासन में लोग सोचते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन और सरकार में कम है। चलिए ठीक है, नीता जी बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने के लिए, अपने अपना पक्ष रखने के लिए। और सहयोगी मनेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो मौके पर मौजूद हैं जहां पर गिरफ्तारी हुई है देवेंद्र यादव की। मनेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी?
जी, मनेंद्र, चूंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ताओं से बातचीत की, दोनों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन ये भी समझना जरूरी है, जब गिरफ्तारी हुई थी देवेंद्र यादव की जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त उनका रिएक्शन कैसा था? क्या कोई उन्होंने कोई रिएक्शन दिया गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी के दौरान? जिस तरह से तैयारी ये थी कि मीडिया वो चर्चा करेंगे उसके बाद वो अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन गिरफ्तारी 5:15 बजे तय हो चुकी थी कि 5:15 बजे वो गिरफ्तारी दे देंगे, ये पहले सूचना आ चुकी थी। लेकिन जब उन्हें मीडिया से कोई बातचीत करने नहीं दिया गया, सीधे बड़ौदा बाजार पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाई और गाड़ी में बैठाकर रवाना करने लगी, तब विधायक देवेंद्र यादव स्वयं गाड़ी के सीट पर चढ़े और सीट पर चढ़ के ऊपर चढ़कर उन्होंने संविधान की पुस्तिका दिखाई है और साथ ही साथ सतनाम समाज का झंडा दिखाया है। ये एक संदेश है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, साथ ही साथ वो अपने पुराने अंदाज में छाती पीटते नजर आए कि वो लड़ेंगे और जीतेंगे, ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए नजर आए। बता दूं आपको कि विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के कई मायने हो सकते हैं। विधायक देवेंद्र यादव जिस तरह से बड़े प्रदर्शनों में युवा चेहरा है, बड़े युवा चेहरा है, विधानसभा में अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं, इसके अलावा जो उनके साथ में जूझ जुड़ी हुई है प्रदेश भर में, क्योंकि एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं इसके साथ साथ उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन में चल रहा था, तो ये विधायक देवेंद्र यादव के बड़े जो गिरफ्तारी के कई मायने हो सकते हैं, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह से उन पर कार्रवाई होती है। आवास के बाहर मौजूद है, आवास के अंदर किस तरह की हलचल है, उनके परिवारजन भी मौजूद होंगे, उनका क्या कहना है? क्योंकि आपने अभी कुछ सदस्यों से, समर्थकों से बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि आगे और भी प्रदर्शन होंगे, विरोध हम लगातार करते रहेंगे इस गिरफ्तारी का। अगर आवास के आसपास के अंदर की तस्वीर दिखा पाए, उनके परिजनों से बातचीत करने की कोशिश कर पाए, मनेंद्र? परिजनों की जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, परिजनों के मौजूद है, लेकिन जिस तरह से एक बार बेटा महापौर बनता है, उसके बाद लगातार दो बार विधायक बनता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कभी इस तरह के जो चीजें हैं वो सामने नहीं आती, अचानक ये चीजें सामने, तो परिवार पर हाथ करना जरूरी है, तो माता है, परिवार बहने वो बैठी हुई है, हम उनसे बातचीत करना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया, परिवार के अन्य लोग भी हैं, उन्होंने बात करने से मना कर दिया है। जो आघात एक राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में आने के बाद लगता है, ये इस तरह से चीजें जो है एक परिवार के लिए असामान्य हो जाती है। इलाही में पढ़ने लिखने और बड़े होने के साथ साथ उन्होंने सारी चीजें वो देखी है, उनके परिवार ने भी इसको देखा है, लेकिन ये चीजें से सामने आने के बाद परिवार को गहरा आघात लगा। जी मनेंद्र, अब बलौदाबाजार लेकर पहुंची है पुलिस टीम उन्हें, तो कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? पुलिस को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में कल पेश किया जाएगा उन्हें, क्योंकि रिमांड ली जाएगी, जिस तरह से उनको कहा गया था कि आज अगर वो जल्दी गिरफ्तारी दे देते तो उनको कोर्ट पेश किया जाएगा, लेकिन कल रविवार है, कल उनको पेश किया जाएगा कोर्ट में और कोर्ट के से उनकी रिमांड ली जाएगी, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी आगे अन्य मामलों पर। जी लेकिन जैसे कि आपने बताया कि यूथ में काफ़ी चर्चित हैं, प्रदर्शनों में काफ़ी आगे रहते हैं, बड़ा नाम है और उनके इशारे पर समर्थक काफ़ी संख्या में जुट जाते, एकत्रित हो जाते हैं, उसका असर तो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा इस गिरफ्तारी के बाद। अब निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने आपको बताया कि दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ आए थे, उनके जिस तरह से सूचना मिली थी आने की, उसके बाद जो आकाशदीप शर्मा है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वो यहाँ पर मौजूद हुए, तमाम महापौर और जो विधायक पूर्व विधायक है जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद थे, यूथ के लगभग 200-300 की संख्या में यूथ थे, जो अन्य कार्यकर्ता है वो मौजूद थे, लगभग 500-600 की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, तो एक बड़ा चेहरा इस बात को दर्शाता है कि उनकी गिरफ्तारी का विरोध किस प्रकार से लोगों ने किया है और गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से आक्रोश उनके पास नजर आया है, पुलिस वहां झड़प भी हुई है, वो आक्रोश फूटा है कि आखिरकार एक युवा नेता को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस के लिए आखिरकार ये बड़ा चेहरा थे, बड़े नाम थे इस तरह से भिलाई और दुर्ग जिले के लिए, तो ये एक बड़ा बड़ी बात सामने आ रही है। जी अब आगे की रूपरेखा क्या है, क्योंकि इसकी गूंज राजधानी तक सुनाई दे रही है, तो क्या अब आगामी समय में राजधानी रायपुर में भी प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा गिरफ्तारी के विरोध में? जी निश्चित तौर पर, हमने जब युवाओं से बात की, यूथ कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने से बात की, एनएसयूआई के नेताओं से बात की, तो उन्होंने बताया कि अब इसका असर राजधानी में और पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा और आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है कि इसका असर पूरे प्रदेश में जो आंदोलन है, जो युवा है वो आक्रोशित होंगे और उसका असर साफ देखने को प्रदेश में मिलेगा। और इस दौरान दीपक बैज जब मौजूद रहे तो दीपक बैज का कुछ टिप्पणी, कुछ रिएक्शन था इस गिरफ्तारी को लेकर? अभी तक दीपक बैज का रिएक्शन नहीं है, दीपक बैज जो कि यहाँ पर बात करने पहुंचे थे, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उसकी चर्चा भी कराई, अन्य जो लोग हैं उनसे चर्चा भी कराई, जो संगठन के नेता है उनसे भी चर्चा कराई और साफ तौर पर जब पुलिस ने अपने अधिकार का लेटर दिखाया कि
कि इन धाराओं के तहत हम यहाँ पहुंचे हैं, इन धाराओं के तहत अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जो लेटर दिए गए थे, जो नोटिस दिए गए थे, जो पांच नोटिस विधायक देवेंद्र यादव को दिए गए थे, उन पांच नोटिस में सिर्फ एक बार देवेंद्र यादव ने वहां अपनी तामीली दी है। तो इन सभी अधिकारों को लेकर वो जब चर्चा किए तो लगभग तीन घंटे दो चर्चा करने के बाद वो इस तरह से एक्शन पर आया, और एक्शन पर आने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी गिरफ्तारी स्वयं दी है जी। लेकिन जब बीजेपी नेताओं से कांग्रेस नेताओं से बातचीत होती है तो कांग्रेस नेता प्रवक्ता यही कहते हैं मनेंद्र कि उस वक्त जो हुआ था वो फेलियर था कि उस वक्त हिंसा को रोका जा सकता था लेकिन रोका नहीं गया, जबकि देवेंद्र यादव मंच पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने किसी को नहीं भड़काया। क्या साक्ष्य हैं पुलिस के पास जिसको लेकर गिरफ्तारी हुई है? देखिए, वो दिन छत्तीसगढ़ का इतिहास काला दिन था, 10 जून यानी कि छत्तीसगढ़ के इतिहास काला दिन, जब किसी कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जला दिया जाता है। ये कौन थे? असामाजिक तत्व थे या फिर मनेंद्र, माफ कीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर रोकना चाहूंगा। और इस बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए टीएस सिंहदेव साहब हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं। टीएस सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। गिरफ्तारी हो गई है काफी लंबे दिनों के बाद, नोटिस दिया गया था लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया, अब 8 घंटे के बाद, कई घंटों के बाद गिरफ्तारी हुई, क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर? सुबह से ही देवेंद्र का फोन आया था और मुझे बाहर जाना था इसलिए मैं उनके पास पहुंच नहीं पाया। उन्होंने जो मुझे बताया कि पुलिस आई हुई है और 4-6 गाड़ियां हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या वारंट है, क्या कुछ है, कहे कि नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं। और अंततः अभी आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है बलौदा बाजार के मामले में, और जो मैं सुन रहा था अभी आप कह रहे थे, मेरे पास भी वही जानकारी है कि देवेंद्र को वहां बुलाया गया था बलौदा बाजार में, जैसे कि कई कांग्रेस के और अन्य दलों के साथियों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। ये जो आयोजन बलौदा बाजार में हुआ था, इसको तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के अध्यक्ष है, संगठन के अध्यक्ष है, उन्होंने कलेक्टर के यहाँ जाके आवेदन देके इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और सर्वदलीय किस्म का ये आयोजन था। और आज जो देखा जा रहा है कि एक राजनीतिक द्वेष भाव से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करने का, उनके ऊपर दबाव बनाने का और एक ऐसा वातावरण तैयार करने का कि मान लो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने खाने की वहां सबके लिए व्यवस्था की, जिन्होंने आयोजन करने के लिए कलेक्टर से परमिशन मांगने के लिए जो समाज के लोग थे उनको लेके गए और अपने हाथ से आवेदन कलेक्टर को दिया जी। उनकी कोई जवाबदेही नहीं, और देवेंद्र वहां पर जो थे उनको मंच पे भी जगह नहीं थी, वो नीचे बैठे हुए थे क्योंकि एक ये सामाजिक कार्यक्रम था, सतनामी समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग, इन लोग उसमें अगुवाई कर रहे थे, वो मंच पे थे। ये बिलासपुर से आए, कुछ देर नीचे बैठे रहे और 10-1 मिनट बाद फिर वो चले भी गए, मुझे ये जानकारी है। अगर शासन के पास कोई और जानकारी है ठीक है, तो उसको सार्वजनिक करें। बाबा सिंहदेव जी, एक चीज बताइए कि चूंकि देवेंद्र यादव अच्छा चर्चित नाम है, काफी पॉपुलर भी है युवाओं के बीच में, यूथ में, और कई चीज़ों में हमने देखा, कई प्रदर्शनों में, कई जगहों पर एक्टिव रहे हैं, वो आगे रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में क्या आघात पहुंचाने की कोशिश, की तोड़ने की कोशिश या उस लोकप्रियता को खत्म करने की कोशिश, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं आप? इससे लोकप्रियता तो समाप्त नहीं होती, इसमें तो बल्कि सिंपथी मिलती है, सहानुभूति मिलती है कि देखिए आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आपको पुलिस में गिरफ्त में लेके हो सकता है जेल इत्यादि में डालने की कार्रवाई की जा सकती है। ये तो एक लंबे संघर्ष में इस प्रकार के लोग जिनके ऊपर कार्रवाई होती है वो हमेशा सहानुभूति पाते हैं, कोई गलती है तो वो बताए शासन, लेकिन सर के पास कोई जानकारी एक है, एक चीज थोड़ा समझाइए कि जब पुलिस भी कहती है कि हम पहले नोटिस दे चुके हैं, अगर नोटिस मिलता है तो हम पूछताछ के लिए बुला रहे थे, उन्हें उपस्थित होना चाहिए, वो उपस्थित नहीं होते हैं, चलिए ठीक है, वो कोर्ट के शरण लेते हैं, कोर्ट का रुख करते हैं, ठीक है, वहां पर भी जाते हैं, उसके बावजूद फिर से नोटिस मिलता, एक भी बार वो उपस्थित पूछताछ में नहीं हुए, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उन्होंने पुलिस का कभी सपोर्ट नहीं किया अभी तक, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था? कि नोटिस उन्होंने दिया और मेरे को भी लगेगा कि मैं थाने में जाऊंगा, मेरे को नोटिस दे रहे हैं और इस मानसिकता की सरकार है, मुझे गिरफ्तार मत कर ले, मेरे को प्रताड़ित मत करे, तो थाने में बुलाना कोई ऐसी बात नहीं होती। जो आपको अगर जानकारी लेनी है, मान लीजिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ किसी कारण से, नहीं आ पा रहा हूँ, आप जाके पूछताछ मेरे से कर सकते हैं। नहीं, पुलिस गई थी, सर पुलिस गई थी एक बार उनके आवास में लेकिन वो गायब थे।
वहाँ पर वो नहीं मिले थे। नहीं तो एक अपमानित करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो जाता है। चलिए ठीक है सर, थाने में आपको बुला लिया, अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। थाने में क्यों बुलाना, थाने में किसको बुलाया जाता है, गुनहगार को बुलाया जाता है, ऐसी आमतौर पे मानसिकता रहती है। तो हर आदमी जो थोड़ी मान सम्मान अपनी प्रतिष्ठा बचा के रखना चाहता है, उनको लगता है कि थाने में क्यों जाना, मेरे को भी थाने में बुलाएंगे, मेरे को भी लगेगा। अब इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का क्या एक्शन रहने वाला है, किस तरह के रिएक्शन देखने को मिलेगा आगे? देवेंद्र के साथ हैं हम लोग, हर तरह से देवेंद्र के साथ हैं, और इसमें जिस स्तर पे लड़ाई करनी होगी इसमें लड़ेंगे। कानून है, व्यवस्थाएं है, संघर्ष है, हर तरीके से हम लोग संघर्ष करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और इस बीच हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं टंकराम वर्मा जी। टंकराम वर्मा जी बहुत स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद सर। गिरफ्तारी हो गई है काफी दिनों के बाद, इंतजार किया जा रहा था कि अब गिरफ्तार होंगे, लेकिन लंबे दिनों के बाद से लेकिन गिरफ्तारी हो गई। अब गिरफ्तारी के बाद क्या चीजें निकल कर सामने आएंगी सर? सरपंच बुला ले। जी सर बोलिए। देखिए जो गिरफ्तारियां हो रही है, कानून अपना काम करेगी। 10 जून को जो घटना घटी है उस घटना में जितना वीडियो फुटेज सब आया था उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है, और कानून से बड़ा तो कोई है नहीं है, है ना। और कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार भी नहीं है। तो जो गिरफ्तारियां हुई है वो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से हो रही है। जी सर, थोड़ा मामले को समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि कानून को लेकर कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ करते बातचीत करते उसके बाद फिर गिरफ्तारी होती, कोई पूछताछ नहीं सीधे गिरफ्तार कर लिया क्या? प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के लोगों का तो हाथ था ही, देवेंद्र विधायक जी का उस सतनामी समाज के सभा में उनका कोई काम ही नहीं था, जहां जाकर उन्होंने लोगों को भड़काया, उपद्रव करने के लिए प्रेरित किया। और कांग्रेस के वहाँ पे जो विधायक हैं, कसडोल के विधायक हैं, बिलाईगढ़ के विधायक हैं, सारंगढ़ के, सारे लोग उपस्थित थे और इन लोगों ने पीछे से हवा दिया। उसके कारण ये सब इतना बड़ा। ऐसे कौन से साक्ष्य हैं, ऐसी कौन सी चीजें मिली हैं कि जिसमें ये पता चले, उसमें ये पुख्ता हो के इस वजह से ये आग लगी और इस हिंसा को आग दी गई, हवा दी गई, कैसी चीजें? उसमें सारा वीडियोज में, सारा फुटेज में इन लोगों का फोटो है और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं उसके लिए। जी तो इनका तो साक्ष्य वही है। देखिए टंकराम वर्मा जी, क्योंकि ये चीज निकलकर सामने आई है और कांग्रेस के कई नेताओं से बात भी की, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से भी बात की, उन्होंने कहा कि जो आयोजन उस वक्त हुआ था वो परमिशन लेकर किया गया था, बाकायदा कलेक्टर ने परमिशन दी थी, उसके बाद ये आयोजन हुआ था। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है, उसमें फेलियर किसका है, उसमें दोषी किसी और को बनाया जा रहा है? नहीं देखिए, कानून जो है अपना काम कर रही है, नियम के हिसाब से काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि किसी बेगुनाह को गिरफ्तार किए हैं जी, या किसी कांग्रेसियों को परेशान करना, ये उद्देश्य नहीं है सरकार का जी। जो चिन्हांकित व्यक्ति हैं, जिन्होंने 10 जून के उस उपद्रव में शामिल हुए हैं, उन सबको चिन्हांकित करके गिरफ्तार कर रहे हैं। उम्मीद यही है सर, जो हिंसा उस वक्त हुई है, ऐसे भविष्य में ऐसी हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। टंकराम वर्मा जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए सर, बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल खबर ये सामने आ रही, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उन्हें बलौदाबाजार ले जाया गया। हालांकि इस बीच समर्थकों में काफी ज्यादा नाराजगी, काफी आक्रोश इस वक्त देखने को मिला।